हेलो गाइस, आप सबको मेरी तरफ़ से नमस्ते, राम राम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। स्वागत आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो अभी गाइस मैं नहा लिया था और नहाने के बाद अब टाइम हो चुका है 10:30, यानी कि 10:30 का टाइम हो चुका है और मुझे सेंटर पे जाना है। तो अभी मम्मी सब्जी बना रहे हैं, मतलब दाल बना रहे हैं, उसको छौंक रहे हैं और फिर रोटी बनाएंगी मम्मी। तो फिर मैं रोटी खा करके चला जाऊंगा सेंटर पर। और आज है सैटरडे और सेंटर पे टेस्ट है, टेस्ट भी दे दूँगा, है ना। तो अब मैं खाना वगैरह खा करके चला जाऊंगा सेंटर पर। और गाइस ये अपनी गाड़ी खड़ी आल्टो के 10 VX आई और इसको मैं अभी छाँव में लगा देता हूँ, जहाँ पर इसको मैं दिन में खड़ा करता हूँ, यानी कि इसकी पार्किंग में लगा देता हूँ। क्योंकि अगर और गाड़ी आएगी, और गाड़ी दूसरी गाड़ी वहाँ पर बुक हो जाएगी, वहाँ पर खड़ी हो जाएगी। तो जहाँ पर इसकी दिन वाली सीट है मैं वहाँ पर लगा देता हूँ गाड़ी को गाइस, ताकि और गाड़ी ना आए और इसकी सीट वहीं पर फिक्स हो जाए। तो गाइस मैंने अभी गाड़ी लगा दी है पार्किंग में, जहां पर इसकी दिन वाली जगह है, जहां पर इसकी सीट बुक है, तो वहां पर मैंने अभी गाड़ी लगा दी है। और अब मेरा टाइम भी होने वाला है, 11 भी बजने वाले, और मेरे को सेंटर पे भी जाना है। तो सोनू भाई तो जाएगा, आज कहीं बाहर जाएगा, तो इसलिए मैंने ही लगा दी गाड़ी आज। और पापा जी भी जाएंगे अपने काम से, तो मैंने अब पहले ही गाड़ी लगा दी, है ना। तो अब मैं खा लेता हूँ खाना, मम्मी ने दाल चौंक दी होगी और अब मम्मी जी बना देंगे रोटी, उसके बाद फिर मैं 11 बजे सेंटर पर चला जाऊँगा। तो गाइस मैंने खा लिया था खाना और अभी मैं घर से आ गया था और टाइम हो चुका है 10:58, यानी कि 11 बजने ही वाले बज चुके हैं 11। तो फिर मैं अब जा रहा हूँ सेंटर पर। से जानते हैं इस बाइक के बारे में, इसका मॉडल के बारे में, इसकी कंडीशन के बारे में। हम भैया जिसे जानते हैं, अपने जानकार हैं ये, अपने होटल सेक्टर 19 में रहते हैं, मार्केट में होटल सेक्टर 19 उसके तो सामने वाली गली है ये, वहाँ पर रहते हैं। एक बार इनसे जानते हैं बाइक के बारे में, कंडीशन के बारे में। ये बहुत कम मैंने लोला का चीज़ देखने को मिलती है, तो क्योंकि टाइम के चेंज, टाइम जैसे चेंज होता है टाइम के साथ साथ, कंडीशन हमारी जो कंडीशन है टाइम के अकॉर्डिंग चलता रहता है, दुनिया में सब कुछ टाइम पर भी डिपेंड करता है। एक बार भैया से जानते हैं बाइक की कंडीशन के बारे में। हाँ जी भैया। हाँ जी सर,
बाइक की कंडीशन के बारे में बताओगे आप? आपके आगे है नहीं, आपके शब्दों से बिल्कुल साफ है भैया, सारी जेन्युइन है, ओरिजिनल है, हर एक चीज स्टार्ट है इसका। जैसे हाँ, जैसे बुलेट बाइक है, जैसे स्प्लेंडर है, इसकी जो वो कंपनी, ये टू स्ट्रोक है, एस्कॉर्ट कंपनी की। एस्कॉर्ट कंपनी की, कहाँ से परचेज की थी ये? पहले आंध्र प्रदेश का नंबर, तो आपको कैसा नंबर, हरियाणा का? जैसे ट्रांसफ़र करवाई थी तो फिर ये नंबर नया मिला था। और कुछ इसके बारे में बताना चाहोगे? बाकी इंजॉयफुल है गाड़ी, बढ़िया जानदार वाली। तो गाइस अब टाइम हो चुका है 2:25 और अभी मैं पहुंचा हूँ उड्डा मार्केट में, और अभी मैं पहुंचने वाला हूँ घर पे। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ मार्केट में, वहाँ से ले आऊँगा दही 20 रुपए की, क्योंकि मम्मी जी ने आलू और चावल बनाए हुए हैं तो उनके साथ खा लेंगे अपा। और मैं ले आता हूँ अब मार्केट से दही। तो गाइस मैं यहाँ आया हूँ था अपने सैंड स्वीट हाउस से समोसे लेने के लिए, पापा जी ने मंगवाए थे 3 समोसे, तो मैं करवा लूँगा पैक। अभी देखो बनने लग रहे हैं, तैयार होंगे अभी, तो यहाँ पर इतनी भीड़ लगी रहती है, भीड़ बहुत लगी रहती है यहाँ पे। नहर का बहुत ही बढ़िया स्वीट हाउस है, आप यहाँ से ले सकते हो, आप कहीं भी हो शहर में, तो मैं अब ले लेता हूँ। मैं आ चुका था घूम करके, और आकर के मैंने खाना खाया था। मम्मी ने गोभी की सब्जी बनाई हुई थी, बहुत बढ़िया गोभी की सब्जी बनाई हुई थी, दूध था और रोटी थी, तो बस मैंने खा लिया था खाना गाइस। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग, आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके बताइएगा, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग।